दोस्तों, एक व्यक्ति ने अपने आप को पहाड़ों की गुफा में छुपा रखा था। वह इसलिए कि उसे पता था कि यदि वह बाहर निकलेगा तो मार दिया जाएगा, और मृत्यु के भय से वह व्यक्ति उस गुफा में छुप कर रहता था। दोस्तों, वह एक राजा था और दूसरे राजा ने उस पर आक्रमण किया तो यदि वह पकड़ा जाता तो उसे मार दिया जाता, और इसी मृत्यु के भय से वह छुप गया। बार बार उसने जब अपने राज्य को प्राप्त करने का प्रयास किया तो वह हार जाता, और अब अंत में थक करके वह जीवन से निराश होकर बस केवल अपना जीवन व्यतीत करता। एक दिन उसने देखा कि एक मकड़ी बार बार में उछल करके और ऊपर छत तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। पहले तो उसने उसको एक खेल ही समझा, और फिर उसने सोचा कि ये मकड़ी व्यर्थ में अपनी ये छलांग प्रयास क्यों लगा रही है, तब कि इसको पता है कि ये ऊपर नहीं पहुंच सकती। दोस्तों, वह देखता रहा और कुछ ही मिनटों के प्रयास के बाद उसने देखा कि वह मकड़ी छत तक पहुंच जाती है। राजा का मन बदल जाता है, राजा का दिमाग घूम जाता है। उसके मन में एक संकल्प उत्पन्न हुआ कि यह मकड़ी जिसको छत पर कुछ मिलना नहीं है, छत पर से फिर यह वापस आ जाएगी। जब इसको छत पर कुछ मिलना नहीं, उसके लिए भी यह इतना प्रयास कर रही है कि मुझे पहुंचना है, और यह अपने लक्ष्य पर पहुंच जाती है तो मैं तो सामर्थ्यवान हूं, और मेरे तो स्वाभिमान की लड़ाई है, मेरा हक है, मेरा राज्य, मेरी प्रजा मेरा इंतजार कर रही है। उस क्रूर शासक से छुटकारा दिलाने के लिए मैं ही एक माध्यम हूं, और मैं छुप कर बैठ गया, मैं कितना कायर हूं। वह उठता है दोस्तों, पहले उसके युद्ध करने में और आज उसके उठने में बहुत अंतर था। आज उसमें वह जोश था, पराक्रम था, स्वाभिमान था कि मैं इस कार्य को करूंगा, सेना को फिर से इकट्ठी करूंगा। वह धीरे धीरे करके अपने सैनिकों की खोज में निकल पड़ा, उनसे विचार विमर्श किए, उनको संगठित किया, और अब की बार जो उन्होंने उस राजा पर आक्रमण किया उससे अपना राज्य वापस प्राप्त किया। दोस्तों, छोटे से दृष्टांत से मैंने इस बात को शुरू किया कि आज का वीडियो जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका जो पूरा निष्कर्ष है वो यहीं से निकलता है। जो मैं कह रहा हूं कि तीन शब्द याद रखें, जीवन में ऊंचाइयों पर जाने से आप चाहते हैं यदि करोड़पति भी बनना, तो उस पर भी जाने से आपको बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आपने बड़े बड़े करोड़पतियों को, अरबपतियों को देखा होगा, उनकी यात्रा बड़ी धीमी गति से इसी प्रकार से प्रारंभ हुई थी। आज जो हम एकदम से सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहते हैं, बस यही हमारी भूल है। जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्तों, जीवन में यदि है तो केवल और केवल निरंतर आपका प्रयास।
यदि आप यह प्रयास करते रहेंगे, अपना विश्वास बनाए रखेंगे, तो समझ लेना आपको अपनी मंजिल को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि बेटे, 5 किलोमीटर पे एक स्थान था, वहां पर आ जाना, वहां पर मैंने तेरी नौकरी के लिए बात कर ली है। बेटा वहां पर नहीं पहुंचता है। शाम को पिता घर आता है और उन्होंने कहा कि बेटे तुम पहुंचे नहीं वहां पर। तो पुत्र कहने लगे कि पापा जी कोई साधन ही नहीं था, मैं कैसे आता वहां पर। बस दोस्तों, एक बहाना कि साधन नहीं था, मैं वहां पर कैसे आता। 5 किलोमीटर की दूरी, लोग 1000 किलोमीटर की दूरी से पैदल यात्रा करके अपने स्थान पे पहुंच जाते हैं, वो भी जल चढ़ाते हैं, कहीं झंडा चढ़ाते हैं, कहीं अपने दरबार में मत्था टेकते हैं, वो पैदल। और एक बहाना कि साधन नहीं था। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हुआ करती हैं। इन संकीर्णताओं से जिस दिन आप बाहर निकल जाएंगे, समझ लेना आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। मैं सत्यनारायण शर्मा, 6 माता जी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीवन में एक एक कदम चलकर के ही पूरी मंजिल को तय किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने होश संभालने पे 15-20 साल की उम्र से और 10 रुपए रोज भी यदि बचाना शुरू कर दे, तो वह वृद्धावस्था आने तक 60 साल की उम्र तक कई लाखों रुपए एकत्रित कर लेगा, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पर आपके पास इंतजार नहीं, आप जल्दबाजी में अपना समय बर्बाद करते हैं और आप अपनी मंजिल से भटक जाते हैं। दोस्तों, मेरे पास बहुत से फोन आते रहते हैं, जी बड़ी परेशानी है, आर्थिक व्यवस्था सही नहीं है, काम नहीं चलता घर में, जिस काम में हाथ डालते हैं वह पूरा ही नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, इन सब बातों से बचें और अपना प्रयास जारी रखें। जिस प्रकार से एक छोटा सा जीव जंतु भी अपने प्रयास में रत रहता है, अपना रास्ता नहीं भटकता, वह अपना कार्य करता रहता है और अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। दोस्तों, ईश्वर का एक संदेश है कि ऐ बंदे, तू आगे बढ़, सफलता तेरा इंतजार कर रही है। ऐ बंदे, तू आगे बढ़, सफलता तेरा इंतजार कर रही है, और बढ़ के तो देख। आज मैं यही 3 शब्द आपको बताने जा रहा हूं, और जो 3 शब्द मैंने बताए वो प्रारंभ में मैंने जो दृष्टांत दिया उसमें वर्णित हैं। पहला, परिश्रम। मकड़ी ने अपना परिश्रम नहीं छोड़ा, परिश्रम जारी रखा। दूसरा, निरंतरता। उसके काम में निरंतरता बनी रही, अब होगा, अब की बार होगा, अब की बार होगा, अब की बार होगा, और वह अपनी मंजिल पर पहुंच गई। तीसरा, दृढ़ विश्वास। उसे विश्वास था कि मुझे वहां पर पहुंचना है, मुझे छत पर पहुंचना है, चाहे काम था या उसका नहीं था, लेकिन उसका एक विश्वास था कि मुझे छत पर पहुंचना है। दोस्तों, बस ये 3 शब्द
यदि आप रोज याद रखेंगे और इन पर अमल करेंगे तो समझ लेना सफलता आपका इंतजार कर रही है और आपको ऊंचाइयों पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। और आपका ख्वाब है यदि करोड़पति बनने का तो वह भी एक दिन आप अवश्य बनेंगे, पर उसी के अनुरूप कार्य करना पड़ेगा और उनमें इन तीन शब्दों को लागू करना पड़ेगा। सुबह सुबह उठते ही बोलें यह शब्द, याद रखें, बोलें भी और याद भी रखें और इन पर अमल भी करें। निरंतरता, परिश्रम, दृढ़ विश्वास। पहला शब्द निरंतरता, दूसरा परिश्रम और तीसरा दृढ़ विश्वास। ये तीन शब्द नहीं हैं दोस्तों, ये सफलता की कुंजी है। और अपने जीवन में इन बातों को ढाल लेना, जैसे मैंने कहा कि इन तीन शब्दों को याद रखेंगे तो आपको ऊंचाइयों पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। आप जितनी ऊंचाई पर जाना चाहें उस ऊंचाई पर जा सकते हैं दोस्तों। आपके लिए कोई रास्ते में चाहे बड़े से बड़ा हिमालय पर्वत भी टकरा जाए उसको भी पार कर जाएंगे आप, पर करना आपको पड़ेगा। और इन तीन शब्दों पे अपना विश्वास जमाना पड़ेगा दोस्तों। यह सूत्र है आपका आगे बढ़ने के लिए। आपको अच्छा लगता है तो इसे अपनाएं और अपने यार दोस्तों को बताएं। और थोड़ा अच्छा लगता है तो लाइक करने के बारे में सोच लें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए 6 मत दीजिए।